लुकेस मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। उमर रियाज ने बोला रश्मि देसाई को कि करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश दे रहे हैं मुझे धोखा। आखिरकार उन्होंने ये बात क्यों बोली है रश्मि देसाई को और रश्मि देसाई ने इसके ऊपर क्या आंसर दिया है उनको चलिए आप लोगों को बताते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कीजिए। तो गाइस उमर रियाज, करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की काफी धमासा लड़ाई जो है बाहर हो रही होती है और इस लड़ाई को देखते हुए रश्मि देसाई जो है वो बेडरूम में बैठी होती है और काफी ज्यादा कहा सुनी एक दूसरे के साथ ये कर लेते हैं, जहां पर उमर रियाज काफी सारी बातें तेजस्वी को सुनाते हैं, तेजस्वी जो है काफी सारी बातें जो है उमर को सुनाती है और उमर जो है वो एक्चुअली में करण कुंद्रा के साथ भी भिड़ जाती है। उमर और करण की भी काफी ज्यादा कहा सुनी होती है और वहां पर करण कुंद्रा को भी काफी सारी चीजें जो है उमर रियाज सुना देते हैं। इस दौरान ही इस लड़ाई को जो है देखते हुए रश्मि देसाई बैठी होती है और कुछ ही देर में जो है उमर रियाज अंदर चले जाते हैं और अंदर जाके जो है रश्मि देसाई के पास बैठ जाते हैं और उसी दौरान ही करण कुंद्रा तेजस्वी को ये बात बोलते हैं कि देख अगर तेरी और अगर मेरी किसी के साथ लड़ाई हो रही होती तो तू क्या अंदर ऐसी ही बैठी होती। तो जहां पर तेजस्वी बोलते कि नहीं अगर तेरी लड़ाई हो रही होती तो मैं उस लड़ाई में आती और मैं देखती कि भाई क्या सब चीजें हो रही है और मैं तेरा साथ देती, वहां पर ऐसा नहीं है, मैं वहां पर बैठी नहीं रहती। और उसी दौरान ही जैसे ही उमर रियाज अंदर जाते हैं रश्मि देसाई के पास जाके बेड पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि भाई यहां पर इतनी सब चीजें लड़ाइयां हो रही हैं, देख यार मैं इनके लिए सब लोगों के साथ लड़ा, मैं प्रतीक के साथ लड़ गया, मैं सबके साथ लड़ गया, इनके लिए सब पूरा घर जो है मैंने करण और तेजस्वी के लिए मैंने अपने अगेंस्ट कर लिया और अब जो है ये मेरे ही ऊपर विरुद्ध हुए हुए हैं, मेरे साथ ही लड़ाई कर रही हैं, ये मुझे धोखा दे रही हैं। जहां पर रश्मि देसाई ये बातें सुनती है और सुनने के बाद बोलती है देखा अभी तूने देख लिया ना कि ये लोग क्या करते हैं, मैं तो नहीं अभी तुझे बोल रही। जहां पर रश्मि देसाई को अच्छा दोस्त होने के नाते उनको उमर रियाज को ये चीज बोलनी चाहिए कि भाई कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, तो करण के साथ तेजस्वी के साथ जाके बात कर। वहां पर रश्मि देसाई ने एक्चुअली में इस आग के ऊपर और पेट्रोल डाल दिया है, उन्होंने समझाया नहीं, वो और भी ज्यादा एक्चुअली में बुरा तेजू और करण के लिए बोलती हुई नजर आ रही है उमर रियाज के सामने, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। हालांकि सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं और रश्मि देसाई भी जो है काफी ज्यादा गुस्सा है तेजस्वी प्रकाश से, क्योंकि तेजस्वी प्रकाश काफी सारे पॉइंट ऑफ व्यू उंगलियां उठा रही है रश्मि के ऊपर, तो रश्मि जो है रश्मि का ऑलरेडी पर्सनली गुस्सा तेजस्वी के ऊपर है तो वो इस वे में भी समझाने नहीं जा रही होगी, क्योंकि गुस्से दुश्मन का दुश्मन दोस्ती होता है, जैसे आप लोगों ने कहावतें सुनी ही हैं। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।